हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और साइकिक मैसेज आपके लिए लेके आ गई हूँ। मैं इससे पहले मैं आप रीडिंग शुरू मतलब जो भी साइकिक मैसेज मेरे पास है वो आपको देने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ पे ये साइकिक पूजा चैनल है। यहाँ पे साइकिक इंट्यूटिव क्लियर वॉइंस के वीडियोज़ यहाँ पर बनते हैं। ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ए टैरो कार्ड रीडर। मेरे चैनल टैरो बाय कटारिया जहाँ पे हम लोग पिके कार्ड रीडिंग एंड मंथलीज एंड वीकलीज करते हैं, डेफिनेटली वो वाला चैनल आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बट यहाँ पे वाय क्लियर वॉइंस जो भी मुझे मैसेज मिला है, वी गोना टॉक अबाउट दैट। वो मैसेजेस मैं यहाँ पे दूंगी। अदर देन दैट, उसके अलावा ये मैसेज को कंफर्म करने के लिए आई वॉज डेफिनेटली हेल्प मैंने लिया है लॉर्ड जगन्नाथ का। सो दे आर मेनी कंफर्मेशंस मेरे पास है, उसके बाद में ही ये वाले वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ। ओके, नो मैटर व्हाट, आप ऑनलाइन किसी का टैरो रीडिंग देख रहे हो, ऑफलाइन किसी का देख रहे हो, आफ्टर एवरी टैरो रीडिंग प्लीज़ अपना एनर्जी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो आज का जो हम साइकिक मैसेज जो हम बात करने वाले हैं, इट्स अबाउट कि आप कहीं से आ रहे हो, मे बी वॉट आई विजन में दिखाई दिया, आप किसी के शादी से वापस आ रहे हो। दिस सर्टन पीपल आर नॉट कि आपके फ्रेंड ग्रुप की, आप पता नहीं क्यों इनके फ्रेंड ग्रुप में हैं, पता नहीं किस काल चक्र के वजह से आप इन फ्रेंड्स के बीच में हो, बट एट द सेम टाइम ये लाइक ओके फाइन, अभी जाना होगा, सो कॉल्ड फ्रेंड है, चले जाते हैं। इस तरह से पता नहीं आप क्या सोच के इनके शादी में गए। बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको इनकी शादी में जाना चाहिए था। इट्स लाइक इसके बाद में आप नो वे करके इनको केयर नहीं करके पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देने से भी चलता था, बट आई डोंट नो आपके दिमाग में कौन सा पैटर्न ऑफ थॉट प्रोसेस चल रहा था। यू एक्सेप्ट टू गो टू दिस पर्टिकुलर पर्सन्स शादी। द वर्ड जो मुझे आया, ममता, माँ, मम्मी, इस तरह के वर्ड्स भी आए, मे बी ये पर्टिकुलर पर्सन इन सारे शब्दों के आसपास मंडराता हो या कहता हो, या उसका नाम खुद ही ममता हो या मोमो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, या फिर आप मोमोज खाते खाते आपने इनसे दोस्ती की, कुछ भी हो सकता है। शब्द मो मो है, मम्मी है, ममता है, सो दोज आर द वर्ड्स। सो आप इनके यहाँ से एक और चीज़ है जो आया है, समथिंग टू डू विद आईज। दिस पर्सन कैन बी चश्मा हो सकता है, काना हो सकते हैं ये लोग, या फिर समथिंग इनसे कोई रिलेशन है जिसको आपके देख के लगा कि एक पर्सन एक जगह दिखता है तो दूसरी जगह दिखता है, बस सीधा नहीं दिख सकते ये पर्सन, इस तरह का भी एनर्जी है इन साइकिक मैसेज के साथ। सो डेफिनेटली डू विद आईज डेफिनेटली भी है एक और चीज़ एक कंफर्मेशन के लिए कि आप ये साइकिक मैसेज आपके साथ रेजनेट होता है नहीं होता है, जो शादी में जाके आए द पर्सन जिससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ भी आप देख लीजिएगा। एक सर्टन समवन है, द हाइट्स छोटे हैं, आप टॉल है, एंड सर्टन समवन इज़ लाइक वेरी वेरी जेलस ऑफ योर ब्यूटी। एंड एक और ग्रुप ऑफ सेक्शन है इस पर्टिकुलर साइकिक मैसेज में, दे वॉन्ट टू शो कि उनका जो लव स्टोरी है वे मच बेटर नो मैटर वॉट, स्टिल यू आर द मोर हायरार्की में, अगर ब्यूटी सेशन में देखें तो आप ज़्यादा हायरार्की है, स्टिल आप वो दूसरों को बताते नहीं कि एडी जोड़ पे लाइक आई एम द वर्ल्ड द थिंग वट एवर। दिस पर्सन बींग वन इट कम्स टू ब्यूटी हायरार्की कम होते के बावजूद भी ये पर्सन के अंदर द एनर्जी ऑफ शोइंग की ओ मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ कुछ ज़्यादा है। सो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एनर्जी को माइल करने के लिए एक एफर्मेशन लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बार बार आप बोल सकते हैं, वो ये है कि आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस इन द नेम ऑफ कृष्णा, आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस इन द नेम ऑफ कृष्णा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द साइकिक मैसेज। तो आप कहीं से आ रहे हो, शादी से आ रहे हो मैं बोलूँगी, लेकिन आप कहीं से आ रहे हो, आने के टाइम में आपने ये देखा कि रात हो चुकी है, आप अप्रॉक्सीमेटली सोच रहे थे 9 बजे तक आ जाएंगे, 11 बज चुके हैं, सम बस से आप उतरे हो, आ रहे हो, आपके साथ आपका भाई भी है एंड आपके भाई के फ्रेंड्स भी हैं, एंड यू फील लाइक ओके फाइन, इतने मतलब मेरे भाई के साथ हूँ, आई बी सेफ। आप फीमेल हैं या मेल हैं, अगर आप मेल हैं तो 3 फीमेल्स आपके साथ हैं, एंड आप मेल हैं इफ यू आर फीमेल या 3 मेल्स आपके साथ हैं, ठीक है, ऐसे आप जा रहे हो। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया सो कॉल्ड आपका जो फ्रेंड है, इफ़ यू आर फीमेल, आपकी एक और फ्रेंड है,
आपका घर इसी गली में से स्ट्रेट है एंड इसी गली में जाते जाते आपका घर सामने आ जाता है, उस बंदी का घर थोड़ा सा आगे जाके आता है, फिर भी वो बंदी आपके साथ चल सकती थी, लेकिन नहीं, उसको आपके साथ चलना नहीं था, वो किसी अपने ही सो कॉल्ड फ्रेंड, वो आपका भी फ्रेंड नहीं है, सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ, उसके भाई के साथ वो रात में चल रही थी, एंड यू आर लाइक वॉट एवर, चलना है तो चलो, एंड आपको पता है कि वो आपसे दोस्ती नहीं करती, लेकिन फिर भी आपका रिसोर्सेस यूज़ करने के लिए वो आपसे दोस्ती कर लेती है। आज के दिन आपने ये नोटिस किया कि रात का टाइम है एंड आप मेरे साथ चल सकते थे, हम इतने सारे ग्रुप एक साथ चल रहा है तो और भी ज़्यादा ठीक होता, लेकिन इसको उसी के साथ चलना, इतना ही आपने ये नहीं देखा कि वो उसके साथ चल रही, बट एट द सेम टाइम आपने ये नोटिस किया कि वो उसके साथ भाग रही है ना, उसको भागते हुए देख के आपका ब्रदर एंड दोस्त पीपल एवरीवन से है, हम लोग क्यों चल रहे हैं, हम भी भाग के चलते घर जल्दी पहुंचेंगे, वो लोग भागने लगे, आपका भाई भी भागने लगा, एंड यू आर लुकिंग लाइक एक सेकंड मैं के लिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लेट्स भागो, सो सब लोग भागने लग गए, एंड भागते 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 आपका घर आ गया, एंड यू नोटिस कि आप और आपका जो भाई है अपने दोस्तों के साथ बात करे जा रहा है, एंड उनका जोक्स आर अनदर लेवल, पता नहीं क्या बोलते वो दोनों, हंस रहे हैं एंड कुछ शब्द बोलते हुए हंस रहे हैं, व्हाट विजन में था वाज लाइक दे वर लाइक बैक एंड फोर्थ, उनका फ्रेंड्स दे वर टॉकिंग अबाउट द फार्ट का आवाज़, लाइक ऐसे होता नहीं, इस तरीके का आवाज़ होगा नहीं, उस तरीके का आवाज़ होगा, इस तरह से कहते हुए दे आर लाइक टॉकिंग एंड यू आर लाइक आप अपना हंसी नहीं रोक पा रहे बिकॉज इनका टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन इज़ लाइक अनदर लेवल, सो वो लोग भागते भागते इस तरीके से बात कर रहे थे, आपकी हंसी छूटी जा रही है, आप भी भागे जा रहे हो, आपका घर आ गया है एंड आपको अभी गली के राइट में होते हुए आपको जाना है या लेफ्ट में जो भी है गली की तरफ होते हुए आप निकल गए, एंड आपका फ्रेंड आपका जो भाई के जो दोस्त है वो भी थोड़ा आगे तक जाएंगे, एंड जो आपकी जो दूसरी दोस्त है जो रन कर रही थी जिसके वजह से आप रन करने लगे वो लोग थोड़ा आगे जाके जाएंगे, वट एवर द केसेस, सो दैट्स द वे इट इज़, सो आपका भाई फिर रास्ते में रुक गया एंड यू आर नोटिसिंग कि आप थोड़ा आगे जाके 4-5 कदम आप आगे चल गए, आपका ब्रदर उधर रुक के अपने दोस्तों से बात करे जा रहा है, सेम कॉन्वर्जेशन ऑफ द जोक्स, एंड यू आर लाइक ए घर चल, रात हो गया है, रात में क्या इतना जोरों से बात कर रहा है ना, बाजू वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या मतलब तू बात क्या कर रहा है, एंड यू आर एम्बेरस कि उसका टॉपिक क्या है कॉन्वर्जेशन का, सो दैट इज ऑल्सो देयर, सो आप और आपका भाई घर आ जाते हैं, घर आने के बाद में यू विल लाइक स्लीप, नेक्स्ट डे मॉर्निंग देर आप और आपके फ्रेंड्स भी, एंड जो नोटिस करें कि जो आपकी दूसरी दोस्त थी शी स्टार्टेड रनिंग विद अनदर मैन, ओके दैट नाइट, कि वो आपके साथ ना चल के किसी और के साथ जा रही है, एंड शी स्टार्टेड रनिंग विद अनदर मैन, दोनों हाथों में हाथ लेके दे वर रनिंग, एंड आप ही नहीं थे जहाँ से उतर के आए, आप ऑब्वियसली शादी से आ रहे थे, सो बहुत सारे लोग भी थे, एंड अदर ऑल्सो क्वेश्चन क्या बात है यार ये रखने से क्यों भाग रही थी, एंड लाइक मुझे क्या पता, एंड यू एक्सप्लेन अपने तरफ से स्टोरी, एंड देन व्हेन यू आस्क दिस पर्सन कि आप रात में से भागे थे राइट, शी कम्प्लीटली डिनाइज इट, एंड अभी तो फोटो भी जो खींच के उसको बताया गया, शी इज़ लाइक कम्प्लीटली डिनाइंग इट, इट्स नॉट मी, सो आप उनके साथ भाग क्यों रहते हैं, आपका उनके साथ कोई रिलेशनशिप है, पूछने पर वो बोलती है जी नहीं रिश्ता नहीं है, सो एंड द फैक्ट इज जब आप इन दोनों को देखते भी हो आपको भी कंफर्म हो जाता है इनका कोई रिश्ता नहीं है, तो रात में उतना टाइम में भागने का मतलब क्या है, जस्ट टू शो यू कि उसके पास भी पार्टनर है, बिकॉज द ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी आया था कि ओ माय आई एम ब्यूटीफुल, सो कॉन्सेप्ट ये दिखाने के लिए रात में भागना ज़रूरी था सर्टन समवन के साथ, आई नेवर नो, सो इसके बाद में द कंक्लूजन ऑफ द होल थिंग इज़ आप अपने दिमाग में स्टोरी बना लीजिए एंड वॉट शी वॉज सेइंग, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स आप समझ जाओगे, बट और भी ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आज के जो मैसेज है इसके अंदर लॉर्ड इज सेइंग उनका जो थॉट प्रोसेस है इट्स वे बियॉन्ड कि आप नहीं समझ पाओगे, एंड आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ों से गुजरते हो उन लोगों का अगर आप बोलोगे तो भी वो ना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी समझ एक लिमिटेड है, भगवान जी ये भी बोल रहे थे कि उनका ये पर्टिकुलर पीपल ये वे बैक वेन में जो भी स्टोरी हुआ या आप इससे स्टोरी से रिलेट करते हो या फिर ये स्टोरी मैंने बोल के आपके दिमाग में मैंने कोई सिचुएशन ताज़ा कर दी, सो गॉड इज़ सेइंग कि वो दीज पर्टिकुलर पीपल
जिसका भी देख के आप सोच रहे हैं, जिसे हम बात कर रहे हो, दिस पर्टिकुलर पीपल आज भी, फॉर एन एग्जाम्पल 10 ईयर के जब आप थे, 10 साल के थे तब ये चीज़ हुआ था, तो आज भी वो लोग अपने ग्रोन अप बॉडी में 10 ईयर ओल्ड ही है, एंड गॉड इज सेइंग कि उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके। एंड राइट नाउ आप चीज़ों से जिस तरीके से डील कर रहे हो, प्रॉब्लम को और या फिर कोई भी सिचुएशन को या बैड कर्मा को, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर ब्रेन कैपेसिटी वो नहीं समझ पाएंगे। एंड इट्स गॉड इज सेइंग कि इट्स हाई टाइम दिस, ये लोग डिसरेस्पेक्टफुल पीपल हैं, एम्बैरस करते हैं आपको, एंड ये जानबूझ के कोई ना कोई कहानी क्रिएट करके आपको एम्बैरस करते रहते हैं। ये लोग कोई वैल्यू ऐड नहीं करते आपकी ज़िंदगी में, सो राइट टाइम इट्स अभी इसी वक्त इज़ अ हाई टाइम कि इनसे आपको रिश्ता तोड़ना चाहिए। एक और बात, दिस पीपल आर लाइक, आप चाहे इनके लेवल में जा, आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि आप इनके लेवल में जाके इनसे बात ना करें, जो भी पर्टिकुलर पर्सन रात में भाग रहे थे, लेकिन इनको देखे यू पर्सनली फील लाइक एक सेकंड में क्यों भाग रही हूँ, लेकिन मुझे भी भागना चाहिए, मतलब मैं अकेली रह जाऊँगी। सो किसी और का एक्शन के वजह से किसी ने रिएक्शन दिया एंड यू पर्सनली फील लाइक कि ओ माई गॉड। इनफैक्ट रात का टाइम 11 बजे अकेली आप एंड आप जिससे भी आप सोच रहे थे कि मेरे साथ चलेंगे, वो भी आपका छोड़ के जा रहे हैं जस्ट टू सी सर्टन समवन, एंड उनको देखे ये लोग ने रिएक्ट किया, इनको देखे यू आर लाइक क्वेश्चनिंग मैं क्यों ऐसे, मैं भी रिएक्ट करती हूँ। सो इस पर्टिकुलर, ये लोग पर्टिकुलर पीपल जो कॉन्सेप्ट जिनको नहीं समझ में आता कि अगर वो लोग एक ही अकेले जा रहे हो तो उनको परेशानी हो सकती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंजर के साथ आप जा रहे हो, वो भी एक जिस तरीके से वो एक्शन दिखाई है कि उसका हाथ पकड़ के रात में भाग रही है, इसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी भाग रही है, व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जो मैन के साथ भाग रही है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दोनों के बीच में जो भी होता है होने दो, उन दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्होंने एक्शन किया, उनको देख के आपके ग्रुप ने एक्शन किया एंड आपको एक्शन करना पड़ा, ओके आपको एक्शन करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस होल सीरीज। सो गॉड इज़ प्रिटी मच क्लियरली बोल रहे हैं कि इस तरह के नॉनसेंसिकल एक्शन को आप अपने लाइफ में रिपीट ना करना चाह रहे हो तो पहले तो इनको डिस्कार्ड करो, कंट्रोल ऑल डिलीट करो, क्योंकि ये लोग बार बार आपको डिसरेस्पेक्टफुल एम्बैरसिंग सिचुएशन में रखेंगे, क्योंकि आपका ज़िंदगी इज लाइक ए पर्टिकुलर वे में जा रहा है एंड दिस पीपल बॉडी ऑफ 20 ईयर ओल्ड में 10 ईयर ओल्ड का बंदा है और सोच रहा है ये नहीं चलेगा। आप 20 ईयर ओल्ड है तो आप 20 ईयर के जैसे सोचते हो, आप 25 है तो आप 25 के जैसे सोचते हो, आप 30 है तो आप 30 के जैसे सोचते हो, बट इमेजिन ए 30 ईयर ओल्ड के बॉडी के अंदर 10 ईयर ओल्ड का बंदा ही अभी भी सोच रहा है, क्योंकि वो उस दिन लाइक जो कुछ भी हुआ 10th और 12th class और 12th class जो स्कूल टाइप्स का इमोशंस होते हैं ना, उस चीज़ से वो बंदा पास आगे ही नहीं बढ़ा। मैं जब 10th में थी ना ऐसी थी, मैं जब 12th में थी ना ऐसी थी, जब मैं 5th में थी ना ऐसी थी, इस तरह के सेंटेंस से लाइक वो लोग बंदे कभी आगे ही नहीं बढ़े। एंड यू आर लाइक वेट ए मिनट, मैंने मेरा PG कंप्लीट किया, मैंने UG किया, फिर PG किया, मैंने मास्टरी कर ली, एंड अभी भी तुम वो 5th class की बातें कर रहे हो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द एग्जाम्पल। आपने भी डेफिनेटली अपने ज़िंदगी में देखा होगा, क्योंकि इनके एक्शन की वजह से कोई रिएक्ट करेगा एंड यू आर लाइक एक सेकेंड मेरी पूरी ज़िंदगी क्यों बदले एंड वाई आई नीड टू मूव फ्रॉम हियर, एंड मैं नहीं, एंड द सिचुएशन रात का कैन बी एनी अदर सिचुएशन आपका ज़िंदगी का, एंड उसको देख के लोग एक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, उनका पास पास ना आने दें एंड इनके फंक्शंस में आप ना जाए। सो दैट्स अ मोर क्लियर आंसर। ये पूरा साइकिक मैसेज में आप जो भी आपको समझ में आया विद द वर्ड ममता या काना या चश्मा या फिर नाइट टाइम वॉचिंग सर्टन समवन द ब्यूटी एंड वो लोग जानबूझ के एक्ट करते हुए, एक और चीज़ दिखाया गया कि एक कहीं टेबल पे बैठे हुए हैं एंड यू आर ईटिंग, दिस पीपल आर नॉट इवन ए कपल, स्टिल एक दूसरे का चम्मच से वो लोग खा रहे हैं, जस्ट शो यू कि इनका ग्रुप इनका कुछ चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट नॉट, लेकिन इतना तो मैं बता दूँ, आप जो है जो सुन रहे हैं ये वीडियो, आप बहुत खूबसूरत हो। आप स्कूल में थे तब भी लोगों को आपको परेशानी थी, आप घर आए तब भी लोगों को परेशानी थी, फैमिली में बहुत सारे लोग, आप कहीं और गए तब वहाँ पे भी टीचर्स को बहुत परेशानी थी, अब ट्यूशन गए तब वहाँ पे भी टीचर्स को बहुत परेशानी थी, अब बस में ट्रैवल करते हो सम अदर कौन की एक फालतू सा स्ट्रेंजर आके आपसे बोलने लगता है एंड यू आर लाइक आई डोंट इवन नो यू, एंड यू आर लाइक
आप एक पर्टिकुलर क्लास में, फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर इन 7th ग्रेड और 10th ग्रेड और 12th ग्रेड एंड यू आर लाइक, आप मेरी क्लास में भी नहीं हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप कौन हो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो स्कूल विद सो एंड सो, मुझे सो एंड सो स्कूल से क्या लेना देना, द क्वेश्चन मार्क, एंड यू आर लाइक, मैं आप में से किसी को जानती भी नहीं हूँ, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी, आई डोंट इवन नो यू. अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हो, यू आर द मोस्ट गॉर्जियस पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, ओन इट, एंड बिकॉज ऑफ किसी और के एक्शन के वजह से, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं उसके वजह से आपको एक्शन लेना पड़े, नॉट हैपनिंग. सो कट दिस नॉनसेंसिकल पीपल, डिस्कार्ड दिस पीपल, दैट इज़ वन थिंग. सो इस मैसेज से आपको कुछ भी हेल्प होता है, कैसे भी हेल्प होता है, टेक इट. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती ही रहेगी. शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, इस वीडियो का प्यारा सा लाइक दीजिए. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. PoojaKataria.com इज ए वेबसाइट जहाँ पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको उसके साथ साइकिक मैसेज भी मिलेगा. सो आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.